दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 टूर्नामेंट IPL एक बार फिर से हमारे बीच आ चुका है, और आप लोगों को क्या लगता है इस बार कौन सी टीम IPL का खिताब जीतने वाली है, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। देखो भाई, एक बहुत ही बेहतरीन बस सिमुलेटर गेम है जो फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। किन वजह से नहीं है ये किसी को नहीं पता है, सभी वैसे बता रहे हैं लेकिन पता किसी को नहीं है। अब गेम का नाम आप लोग समझ ही गए होंगे। आज इस गेम में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूट पर ड्राइव करने वाले हैं, जहां पर हम लोगों को घुमावदार पहाड़ी रास्ते भी देखने को मिलते हैं और हम लोगों को वहां पर टू वे रास्ते पर बहुत ही शानदार व्यू भी देखने को मिलता है। यानी कि हम जब गेम को खेलेंगे तो मजा हम लोगों को बहुत ज्यादा आने वाला है, और गेम प्ले तो इस गेम का बिल्कुल स्मूथ होता है, मतलब कि इंटरटेनमेंट अनलिमिटेड है। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूं, मैं अपनी दुकानदारी को स्टार्ट कर लेता हूं। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी अजय, यू वाचिंग गेमिंग वाइज, और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में हिंट दे दिया था, गेम का नाम है बस सिमुलेटर अल्टीमेट। फिलहाल आप इसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करा सकते, लेकिन हैप्पी मोड है, वहां से आप इसे इंस्टॉल करा और मजे मारो, क्योंकि इस गेम में आप लोगों को इंडिया मैप मोड मिलता है, मैप मोड नहीं बल्कि इंडिया मैप मिलता है, मोड वगैरह इसमें ऐड नहीं होते, जो आप लोगों को खेलते इसमें थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जरूर देगा। हालांकि रास्ते एक जैसे रहते हैं, लेकिन कई रास्ते ऐसे भी होते हैं जो हमारी नजरों से छुपे रहते हैं। ऐसा ही एक रूट आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, यह रूट है लुधियाना टू लखनऊ। बहुत ही ब्यूटीफुल रूट है, आप लोगों को मजा आएगा, एक बार जरूर ट्राई करना। यदि डाउनलोड नहीं कर रखा तो हैप्पी मोड पे जाओ और डाउनलोड करो। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल दिखाई दे रहा है वहां पर फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अभी ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी बस में चलते हैं और बंदों को लखनऊ लेके चलते हैं। देखो मित्रों, मैंने गेम प्ले स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया, यदि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता तो करीब करीब हम 6 मिनट पीछे चले जाते और गेम प्ले बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो मैंने जहाँ से गेम प्ले स्टार्ट किया है वहीं से अपना सही मामला स्टार्ट होता है। तो हम अभी अपने बस को ड्राइव कर रहे हैं, सामने आप लोगों को पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे और इन्हीं पहाड़ों के अंदर से जब हम गुजरेंगे, अरे एक्सीडेंट हो गया, बाप रे, इन पहाड़ों के अंदर से जब हम गुजरेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा घुमावदार रास्ते देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बड़ा केयरफुल होकर हम लोगों को पर ड्राइव करना पड़ता है। तो अभी हम चल पड़े हैं इन पहाड़ों की तरफ, और आप लोगों को जो बस में मैप दिखाई दे रहा है उसमें भी दिख रहा होगा कैसे सांपनुमा रास्ते हैं, बहुत ही डेंजरस रास्ते हैं भाई, बस आप लोग देखते जाओ। मैं यहाँ पर केवल इंटीरियर कैमरा के लिए साथ खेलने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रो ड्राइवर नहीं हूँ जो यहाँ पर बिल्कुल स्मूथली ड्राइव कर पाऊँ। तो अभी हम निकल चुके हैं इन पहाड़ों के बीच, और यहाँ पर आप लोगों को पौधे भी दिखाई दे रहे होंगे। ट्रैफिक बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। अभी आएगा पहला मोड़ थोड़ा सा आगे चलते ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई, उन्होंने वहाँ पर पत्थर भी लगा रखे हैं इस कारण कि कहीं हम नीचे ना गिर जाएं। यहाँ पर बस आ रही है सामने से, ऐसे खतरनाक मोड़ पर यदि कोई ट्रैफिक सामने से आ जाए, ओ भाई फिर से बस आई, बच गया, मेरे को लगा कि टक्कर होगी लेकिन मैं बच गया। दूसरी तरफ देखो गहरी खाई है, यदि वहाँ पर बस गई तो भाई ना तो पैसेंजर बचने हैं, ना बस बचनी है, ना और कुछ बचना है, बस सब कुछ ख़त्म हो जाना है। फिलहाल तो हमने पहली बाधा तो पार कर ली है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मोड़ अब भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये आ गया ट्रक भाई साहब, अच्छा खासा ड्राइवर था, ले गया साइड में से निकाल के, लेकिन हम चले गए थोड़े से ऑफ रोड, फिर से वापस आए हैं यहाँ पर। ओए होए, 20% बैटरी रह गई भाई, क्या किया जाए, इस पर अपना बस नहीं चलता। सुनसान तो नहीं है रास्ते, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, वरना बीच में ऐसा टाइम भी आ गया था जब ट्रैफिक बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया था। मैंने यहाँ पे कोई ट्रैफिक सेटिंग नहीं कर रखी, जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है उसी के साथ मैं खेल रहा हूँ। ये एक तरह से जंगल सा है और दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में रास्ते हैं घुमावदार। अभी हम लोगों ने इन रास्तों को तो पार कर लिया है ऑलमोस्ट, हम नहीं, अभी तो बहुत बड़ा है यार, आगे भी सांपनुमा रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा, पार हो ही जाएगा थोड़ी देर में। तो भाई हम हाईवे पर चल रहे थे, हाईवे ख़त्म हुआ, टू वे रास्ता आया, टू वे रास्ते पे हम लोगों को मिले घुमावदार रास्ते। और फिलहाल यहाँ पे रात है, लेकिन नॉर्वे की रात जैसे लगती है, जैसे वहाँ पर रात को आधी रात को सूरज दिखाई देता है, वैसे यहाँ पर भी है सीन, काली रात नहीं होती यहाँ पे। ये शीशा कितना गंदा हो रखा है, शीशा साफ कर बदतमीज ब्लू बस वाले। सामने फिर से पहाड़ हैं, अब जैसे ही हम इन पहाड़ों को ख़त्म करेंगे तो फिर से हाईवे आ जाएगा। लो आ गया हाईवे, तो हम फिर से हाईवे पर आ गए हैं। अब जैसे ही हाईवे कंप्लीट करेंगे तो अपना लोकल रास्ता आएगा जो हमें लेके जाएगा लखनऊ। तो अभी हम हाईवे पर ही ड्राइव करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत शानदार व्यू हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और गेम प्ले तो अपना स्मूथ चलता है। गेम प्ले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे इस गेम में नहीं लगती है। हंस बस, ये अजय बस है, वो हंस बस है, एक और बस है सामने, ये कौन सी बस है इसका मुझे पता नहीं, सामने जाएंगे तो पता लगेगा। कौन सी बस है भाई, तू कौन सी बस का है? ओ प्राइम,
प्राइम शील्ड। रात का टाइम, यहाँ पर बर्फीले पहाड़ दिखने लग गए हैं, जो लाइट है वो ऑन है, तारे भी चमक रही हैं, लेकिन अंधेरा नहीं है, रात वाली फीलिंग नहीं आ रही है। थोड़ी सी फीलिंग आनी चाहिए थी रात वाली, तभी हमें ज़्यादा मज़ा आता। सामने लाइट हाउस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो है, लेकिन क्या है ये नहीं पता। अरे बाप रे, ये बर्फ के पहाड़ यहाँ पे, गजब है यार। मेरे को नहीं पता लुधियाना टू लखनऊ में ये बर्फ़ के पहाड़ आते हैं या नहीं आते हैं, शायद नहीं आते हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इस बीच पैसेंजर कह रहे हैं सड़क पर हर आती जाती चीज़ को टकरा के चलेगा क्या। मेरे को डांट रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मेरे को, डांटने दो भाई, हम क्या ही कर सकते हैं अभी। मैं बस इतना कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रोकता लेकिन अभी नहीं रोकूंगा, मरो भूख के, मैं आप कुछ नहीं खिलाने वाला। तो सीधा मैं लगवा के ले गया, अभी भी 160 किलोमीटर के आसपास है, 160 है या 140, साफ दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ ये क्या था, आउटलेट थी किसी चीज़ की, मतलब सभी टाइप का कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। यहाँ पर हम नहीं रोकेंगे, भगा ले जाते हैं यहाँ से भी। दो दो गाड़ियाँ रेस लगा रही हैं सड़क के ऊपर, पागल हैं साले, मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। हॉर्न बजाऊं कैसे, क्योंकि मैंने जो कंट्रोल था वो नीचे कर रखा है, उसको ऊपर लेके आऊँगा फिर गेम प्ले बिगड़ जाएगा, तो ऐसे ही ले जाता हूँ। हो गया एक्सीडेंट छोटा सा फिर से। आई डिंट नो दिस वे ऑफ रोड रैली, यस बेब्स, आप ऑफ रोड रैली में ही बैठे हुए हैं, सामने अपने लिए रास्ता बंद है, बाकी सभी जा रहे हैं क्योंकि हम स्पेशल केस है ना। तो अभी हम जाएंगे, ओ पहली बार मुझे यहाँ पर कोई झील नहीं मिली जहाँ पर हम लोगों को एक नाव ना दिखी और पुल के नीचे से ना गए हूँ। हम सीधे आ गए दूसरे रास्ते पर, एक लोकल हाईवे पर जो हमें लेके जाने वाला है लखनऊ। अब मंजिल दूर नहीं है, बहुत जल्द हम लखनऊ बस स्टैंड पे होंगे, वहाँ पर हम आप लोगों को पान खिलाएंगे, लखनऊ का पान। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल रास्ता है भाई, काफ़ी एक बार देख लो आप, 30 स्पीड लिमिट होनी चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं अपनी बस को, हम बस की स्पीड कम नहीं करने वाले भाई। ओ पेट्रोल पंप आ गया बाबूजी, लेकिन हमें डीजल नहीं डलवाना, पानी छलक गया तो मैं क्या करूं, सड़क इतनी बेकार है भाई। ये आ गई एक झील, पानी की झील, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, खाई है बीच में और खाई के अंदर पानी है, पानी में समुद्री जहाज है, अब कहाँ से आई है मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर पार्किंग भी है, कुछ बंदे भी खड़े हैं। ओए होए बस आई, बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, गाड़ी में टक्कर होती होती बची है भाई। क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, ये बाग टाइप का कुछ आ गया अभी तो। अभी बस स्टैंड से हम जस्ट 27-28 किलोमीटर ही दिखा रहा है, वैसे ये मीटर ही लगा लो, किलोमीटर इतने छोटे थोड़ी होते हैं यार, गेम है तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। ये बस वाला हमें रास्ता देगा नहीं। ओ बारिश भी स्टार्ट हो गई भाई, अब वाइपर मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि फिर मेरे को कंट्रोल ऊपर लेके आने पड़ेंगे, कंट्रोल ऊपर लेके आऊँगा तो फिर वही गेम प्ले बिगड़ेगा, तो ऐसे ही चलते हैं, मजबूरी है। ओ भाई 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 बच गया, बच गया एक्सीडेंट होने से, बाल बाल। ये भी इसी साइड देगा क्या, बस स्टैंड की साइड नहीं, ये कहीं और जा रहा है, हमारा सफर यहीं तक था भाई मित्र। तो ये आ गया भाई अपना टर्मिनल, जहाँ पर हम लोगों को बस को पार्क करना है, जिसके बदले में अब हमें पैसा मिलेगा। पार्क करना भी यहाँ पर अपने आप में बड़ी बात होती है, पार्क करना आसान नहीं होता। ये सामने लेके आएगा सिटी बस लाइन, चलो गई सिटी बस लाइन, तो हम ट्राई करते हैं इंटीरियर कैमरा एंगल के साथ ही, हम इसी तरह कर ले तो बेस्ट है, अदरवाइज़ फिर हम लोग कैमरा एंगल चेंज करना ही पड़ेगा। नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा आगे लेके देखें, नहीं हुआ तो अभी हम लोगों को मजबूरी में आके कैमरा एंगल ही चेंज करना पड़ेगा। हम लेने वाले हैं ड्रोन कैमरा एंगल व्यू, जो हमें बिल्कुल टॉप व्यू दिखाएगा। इस व्यू के साथ हम यहाँ पर गाड़ी को पार्क करेंगे। बारिश की बूंदें कैसे टपक रही हैं वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो थोड़ा सा रिवर्स अभी लेते हैं फॉरवर्ड गियर में, और इस ग्रीन लाइन के बीच हम अपनी बस को पार्क करते हैं। यहाँ से बढ़िया आसान से पार्क हो जाता है और ये डन। तो हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं, आई होप आप लोगों को गेम प्ले अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा रास्ता था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, एक बार ट्राई करना। अच्छा लगा था वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई सजेशन को क्यूरियत कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।